तीन साल पहले यूज किया था, तो अभी अभी के मामले में ये जो अच्छा डिजिटल मीटर है उसको एक बाइक यूज करने के बाद ही फिर से मैंने RS 200 इंस्टॉलमेंट में लग जा रहा है, लगता है इसमें बहुत ज्यादा लग जा रहा है लेकिन 70,000। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग पास है पल्सर RS 200, तो इसका हम लोग ऑनरशिप रिव्यू करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अभी भी ये बाइक मार्केट में लोग ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे, सारा कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये बाइक का एक समय बहुत ज़्यादा क्रेज था, तो अभी भी ये बाइक का उतना ही लवर्स लोग है इस मतलब फील्ड में, तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप का वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ऑनर को बुलाते हैं और सारा कुछ डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, देखिए भाई कि आप ये जो बाइक लिए RS 200, तो कितना दिन पहले ये बाइक लिए आप? वही लमसम 1 वीक पहले। 1 वीक पहले लिए, तो सबसे पहले मेरा दिमाग में जो क्वेश्चन है कि अभी का टाइम में पल्सर RS 200 मार्केट में बहुत ज़्यादा कम दिखती है, बहुत ही कम, मतलब कि एक आधे पीस दिखती होगी इधर मेरे ख्याल से। तो ये बाइक लेने के पीछे कोई बड़ा रीजन या कुछ ऐसा कुछ? मैंने इसको पहले भी यूज़ कर चुका है। अच्छा, पहले भी? पहले लेके ड्रॉप आउट कर दिया है। अच्छा, 3 साल पहले भी आप ये बाइक को ऑन करते थे, यही सेम बाइक को? सेम बाइक। तो 3 साल पहले तो बाइक से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसके प्यार है ये बाइक से। तो जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो ये 200 cc की बाइक है, 200 cc में और भी बहुत सारे बाइक ऑन मतलब आती है, KTM 200 है और पल्सर का NS 200 है, और भी बहुत सारे बाइक आती है 200 cc में। तो ये बाइक का लेने का रीज़न कुछ बड़ा, जैसे कि आप पहले ये बाइक चला चुके हैं, तो फिर सोचे होंगे कि दूसरा बाइक में शिफ्ट किया जाए, मैं तो ये बाइक चला चुका हूँ, तो फिर भी यही बाइक लेने का रीज़न? इस प्राइस रेंज में 200 cc का मैं इतना BHP पावर वगैरह पावर जनरेट नहीं कर रहा हूं दूसरे बाइक में। मतलब जो ये जो प्राइस रेंज में जो पावर देती है बाइक, और कोई सेगमेंट में ये पावर नहीं है, जैसे KTM में भी 200 cc में प्राइस ज़्यादा लग जाता है, मतलब अच्छा 200 cc में सबसे ज़्यादा पावर यही बाइक देती है, जैसे आपके हिसाब से ना। अच्छा, इसीलिए यह बाइक को लिए है, बहुत अच्छा। तो एक सप्ताह, तो ये बात बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी जो बाइक का क्रेज है, पल्सर जो ऑन करते हैं 200 cc RS, उनके लिए बहुत ही अच्छा बात है, जो लोग भी इसे ऑन करते हैं, कि भाई ने 3 साल पहले भी ये बाइक चला चुकी है, फिर 3 साल बाद भी यही बाइक ले रहे हैं। तो पल्सर लवर लोग के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ऐसे लोग भी, बाइक लवर लोग हैं जो एक बाइक चला के फिर वही बाइक लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा जिसके पास ये बाइक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एक सप्ताह पहले ये बाइक लिए हैं, तो कितना किलोमीटर चला चुके हैं बाइक को? अभी तो लमसम 600 किलोमीटर के आसपास। 600 एक सप्ताह में 600 खींच दिए, तो कहाँ कहाँ लेके गए इसको एक सप्ताह में 600? मतलब बस लोकल राइडिंग, लोकल में 600 मार दिए, बहुत अच्छा बात है, मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं बाइक से। तो कैसा लगता है चलाने में आपको बाइक, मतलब लोकल ही चलते हैं या नहीं? टेस्ट ड्राइव में गए थे माइथन वाला रोड पे, माइथन वाला रोड में। तो जैसे कि आप पहले भी चला चुके हो, तो चलाने में मज़ा आता होगा, तभी ये बाइक लिए होंगे, इसमें तो हमको क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। तो और भी इसका अलावा भी आप दूसरा बाइक सोचे नहीं, क्योंकि आपको लेना था तो RS ही लेना था, ये भी बात सही है। क्या मतलब माइलेज निकाल के देती है बाइक आपको? अभी 22 से 25 के बीच में। 22 से 25, एक भी सर्विस नहीं हुई, एक भी साइड, एक भी सर्विस नहीं होगी, तो इससे माइलेज से आप खुश है कि और भी थोड़ा एक्सेप्शन था? थोड़ा सा और 25 से 30 के बीच में मिलता तो और ज़्यादा बेटर होता है इस बाइक के प्राइस के हिसाब से। अच्छा, तो थोड़ा सा और माइलेज मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, वो भी सही है। और कंफर्ट के मुकाबले में कैसा है? कंफर्ट बस बजट और स्पीड कंफर्ट के वजह से ही लिए इस बाइक को, ताकि आराम से 2 जन भी बैठे तो अब कंफर्ट होकर बैठे, मतलब चलाने में भी। हाँ, बैक पे पेन ना हो, पेन उन कुछ नहीं होता, कुछ पेन नहीं होता। अच्छा, और जैसे कि अभी तो इसका सर्विस आप नहीं करा है, पुराने वाला बाइक अभी ये वाला रखे थे, तो सर्विस वगैरह मतलब कैसा था उसका? मतलब फर्स्ट सर्विस में तो सिर्फ मोबिल का चार्ज लगता, बाकी फिर कितना पैसा कॉस्ट अप्रोक्स लगेगा? 500 से 550 के बीच, 500 से 550 के करीब लगता हुआ। जैसे कि बहुत सारा मिथ हम लोग सुनते हैं बजाज के बारे में, कि इसका जो मतलब नई में तो काफ़ी अच्छी लगती है चलाने में, पुराने के बाद बाइक में
झंझनाहट या झड़झड़ा जाती है बाइक, और इसका मतलब आप इसको ऑन कर चुके हैं पहले, तो इसके बारे में आप क्यों क्या ख्याल है, ऐसा सही बात है या सर्विस के ऊपर है, जैसे सर्विस करे। अच्छा, मेंटेनेंस कराएंगे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर बजाज का भी बाइक। बाकी तो आप चाहे 2 लाख का बाइक ले चाहे 20 लाख का बाइक ले, मेंटेनेंस सही नहीं रहेगा तो फिर मेंटेनेंस दिक्कत करेगा। तो ये भी हो गया बाइक। आप कितना में लिए थे पहले थे कि आप कितना प्राइस पड़ा अभी आपको ऑन रोड? उस समय 3 साल पहले लिए तो 3 साल पहले कितना में लिए थे? 155 और अभी क्या पड़ा आपको ऑन रोड? अभी 2,07,000 के करीब में, मतलब 50,000-55,000 अप्रोक्स बढ़ चुका है बाइक में। तो इसको आप मतलब डाउन पेमेंट में लिए या कैश में? डाउन पेमेंट फाइनेंस करवाया। फाइनेंस कराया तो कितना डाउन पेमेंट किया था बाइक का? 60,000 और क्या ई एम आई पड़ता है? अभी 2,76,000 रुपया अप्रोक्स, मतलब 2,07,000 बाइक का, मतलब कि 70,000 एक्स्ट्रा लग गया इंस्टॉलमेंट। काफ़ी ज़्यादा प्राइस लग रहा है कि इंस्टॉलमेंट में लग जा रहा है, फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, लेकिन 70,000 मायने रखता है। चलिए वो सब तो बात की बात है। तो जैसे कि आप पहले भी ये बाइक को चला चुके हैं, तो सबसे आप इसके बारे में आप ही डिटेल में बता चुके हैं कि इसमें खूबियां तो आप बता दिए कि प्राइस कम है, पावर ज़्यादा है, मतलब चलाने में बैक पेन वगैरह कुछ नहीं होता, और प्रॉब्लम क्या है बाइक में? जैसे मेन क्वेश्चन जो यही है कि क्या दिक्कत आती है बाइक में, क्या अपग्रेडेशन होना चाहिए? मैंने 3 साल पहले यूज़ किया था, तो अभी के मामले में ये जो अच्छा स्पीडोमीटर है उसको चेंज करना चाहिए था। अच्छा, मतलब अभी भी इसमें आपको वही स्पीडोमीटर मिल रहा है 3 साल पहले जो मिलता था? स्पोर्ट बाइक सब में आ रहा, जैसे R15 V3 हो गया या फिर R310 हो गया, सब में अपग्रेड होके आता, तो इसमें भी अपग्रेड होता तो ज़्यादा बेटर होता। अच्छा जी, ये आप क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही सजेशन आप बता रहे हैं कि जैसे कि अभी के मुकाबले में अभी सारा बाइक में जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ तक स्प्लेंडर में भी आ जा रहा है, तो पल्सर वालों को इस चीज़ में तो अपग्रेड करना ही चाहिए कि इतना महंगी स्पोर्ट बाइक है, प्रीमियम बाइक है, तो मतलब मीटर से तो डिजिटल मीटर होना चाहिए। ये आपको पहला थोड़ा दिक्कत लगा? दिक्कत लगा। दूसरा मतलब क्या दिक्कत लगता है? दूसरा फिर मिरर भी ओल्ड वाला। अच्छा, मिरर अपग्रेड होना चाहिए था। तो ये मिरर आप अलग से लगवाएं क्या? नहीं नहीं, यही ओरिजिनल है। मतलब मिरर थोड़ा प्रीमियम लेवल का देना चाहिए। देना चाहिए। और ये दो दिक्कत आपको ज़्यादा महसूस हो रही है, और कुछ ऐसा दिक्कत नहीं? और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बाकी सब चीज़ ठीक है। अच्छा, 3 साल पहले जो आप बाइक लिए थे तो लुक वगैरह सेम था या कुछ चेंज किया गया, आप बता सकते हो इसमें? नहीं, कुछ चेंज सेम कलर चेंज था। मैंने पहले व्हाइट ब्लू में लिया था पहले, और अभी ये कलर तो अपना है। हाँ, कलर, मतलब बस लुक कुछ नहीं, और ये सब लोगो वगैरह जो आता है, लोगो नहीं था पहले में, स्टिकर वगैरह, स्टिकर ये सब में नहीं था, अभी स्टिकर आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब 3 साल पहले जो लुक था सेम लुक अभी भी वही है, इसका बारे में आप तो कुछ कहना चाहेंगे? लुक तो हल्का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए या नहीं? फिर भी इसका लुक अलग ही लुक है, सही लगता है, प्यार है इससे, प्यार है तो फिर कोई ब्राई हो ही नहीं सकता, वो भी सही है। और इसके बाद ब्रेकिंग का क्या सिस्टम है? ब्रेकिंग डुअल चैनल ABS है, मतलब वो डुअल चैनल है, मतलब ब्रेक अच्छा है, एकदम एक नंबर है, बाकी के मामले में हमको तो बेटर लगता है धीरे धीरे। इसका मतलब ब्रेकिंग रोड पे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करती है। मैंने और अदर बाइक भी यूज़ की है, जैसे ड्यूक हो या फिर RC हो। अच्छा, या अपाची हो। जी जी जी, उससे बेटर बाइक है, बेटर बाइक है ब्रेकिंग में, उससे बेटर ब्रेक है, बेटर ब्रेक है। अच्छा, इसका अलावा आप कौन बाइक चला चुके हैं? मैंने RC 200 चला चुकी है, 250 ड्यूक चला चुकी है। तो सबसे बेटर आपको कौन लगता है जेन्युइन? आप सोचिए, बाइक मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं, मतलब हमको सबसे पर्सनली, मैं सारा भी बाइक यूज करने के बाद ही फिर से मैंने RS 200। ओ, तो अच्छा लगा, इसीलिए इसीलिए दोबारा से लिए हैं इसको रिटर्न। ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने बजट भी देखा, फिर लुक भी देखा, पावर भी देखा, उसके मामले में मुझे बेटर लगी, पर्सनली बेटर लगी। टॉप स्पीड क्या जाती है इसमें? अभी लमसम मैंने तो अभी 165 किलोमीटर के बाद खींचे। पुराना वाला में? पुराना वाला में भी लमसम सेम ही था, 165। सिर्फ ये थोड़ा सा वो लाउडली साउंड था, इसमें थोड़ा साइलेंट किया साउंड को। और कितना का बाद थोड़ा लगता है कि अनबैलेंस हो रहा है बाइक में? अब 165 के बाद लगता है कि अनबैलेंस, 165 के बाद 140 से कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, एक बार में लॉन्ग टूर कितना खींच देते हैं लेके गए आप हार्डली? अभी तो लॉन्ग टूर में नहीं लेके गए, पहले कितना ले गए थे हार्डली? पहले वही लमसम 180 किलोमीटर था। उसमें कुछ भी दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिनके पास पल्सर है वो तो सब्सक्राइब करें ही करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा भाई ने रिप्लाई दिया है। और हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत धन्यवाद विक्की भाई। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।